कास्टिंग कॉल अलर्ट, सलमान खान फिल्म हाउस ने जारी की चेतावनी। सभी लोग ध्यान दें, सलमान खान के नाम का मिसयूज करने वाली फर्जी कास्टिंग कॉल से सावधान रहें। सलमान खान फिल्म हाउस SKF ने पब्लिक को सचेत करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो सलमान खान और न ही उनकी कंपनी फिलहाल किसी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रही है। नो एंट्री टू अपडेट, पिक्चर में सलमान खान नहीं। नो एंट्री टू होने जा रही है, दिसंबर 2024 में लॉन्च, जल्द ही फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। अटकलें लगाई जा रही कि डायरेक्टर ने सलमान खान को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और रूमर्स के हिसाब से वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर होंगे फिल्म में। पूनम पांडे का दुखद निधन, बॉलीवुड शोक में। टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे के कैंसर के कारण निधन की खबर आते ही बॉलीवुड में शोक का माहौल है। एक प्रतिभाशाली कलाकार के खोने से इंडस्ट्री को गहरा दुख हुआ है। पूनम पांडे काफी समय से सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। जैकलीन फर्नांडीज को एक और कानूनी झटका लगा है, क्योंकि सुखेश मामले में उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। सुखेश, जो कि एक कॉन मैन है, बताया जाता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री एक समय में उनके साथ रिलेशनशिप में थी और इसी दौरान सुखेश ने उन्हें लाखों के गिफ्ट दिए थे। परिणीति चोपड़ा का म्यूजिकल वेंचर, मिश्रित प्रतिक्रियाएं। परिणीति चोपड़ा ने एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट के साथ सेकंड करियर बनाने के लिए कदम उठा लिए हैं, जिससे नेटिज़न्स के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां कुछ लोग उनके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं, वहीं अन्य लोगों को उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है। उनके सिंगिंग के बारे में ऑनलाइन चर्चाओं का बाजार गर्म है।